थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारा रफाल वाला जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने आपको बताया था कि जो पूरा कॉस्ट ब्रेकडाउन रफाल डील का था कि भाई इसमें अनलोडेड रफाल की कितनी कॉस्ट है, प्लेन्स की वेपन्स की कितनी कॉस्ट है, मेंटेनेंस ओवरऑल की कितनी है, आपकी जो इंडिया बेस्ड कस्टमाइजेशन थी रफाल में वो वन टाइम कॉस्ट है वो कितनी है, तो पूरा हमने ब्रेकअप दिया था कॉस्ट का जो कि मीडिया अब तक आपसे छुपा रहा था। मीडिया का चालाकी कर रहा था कि वो टोटल कॉस्ट जो आती थी आपकी उससे डिवाइड करते थे 36 रफाल को और वो इन्फ्लेट करके आपको फिगर बताते थे। हवाई जहाज की प्राइस को 526 करोड़ रुपए से 1600 करोड़ रुपए किसने बढ़ाई? आपने बढ़ाई गलत कैलकुलेशन करके, पर हमने आपको दिखाया कि अनलोडेड रफाल की जो कॉस्ट है वो 670 करोड़ रुपए आती है और जो पहले 2014 में ऑफर था वो था 746 करोड़ रुपए का एक अनलोडेड रफाल का। अब ये जो चार कॉस्ट है बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें जो इंडिया बेस्ड कस्टमाइजेशन कॉस्ट है ये वन टाइम कॉस्ट है। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, जो विदेशों में गाड़ियां होती हैं आपकी लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है, यूएस जाओ आप, दुबई जाओ, यूके जाओ, अब वही कार कंपनी जब इंडिया में कार बेचती हैं तो उनको राइट हैंड ड्राइव करनी पड़ती है, तो ये इंडिया बेस्ड कस्टमाइजेशन होगी। इसके लिए आपको डिज़ाइन चेंज करने पड़ेगा, असेंबली लाइन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो ये वन टाइम कॉस्ट है। अगर नहीं होती तो इंडिया की गाड़ियाँ विदेशों से महंगी पड़ती, अगर हर कार पे आपको वो इंडिया बेस्ड कस्टमाइजेशन की कॉस्ट एक्स्ट्रा चार्ज करते तो इंडिया में तो गाड़ी बहुत महंगी होनी चाहिए थी। तो वैसे ही रफाल में जो ये कॉस्ट कॉम्पोनेंट है $1.8 बिलियन का इंडिया बेस्ड कस्टमाइजेशन का, ये वन टाइम कॉस्ट है। आप 36 रफाल अभी खरीदें, आगे और आते हैं तो ये दोबारा चार्ज कॉस्ट नहीं करी जाएगी, पर इसमें आपको ये घुमाएंगे। फिर हमने ये वीडियो बनाया पूरा कॉस्ट ब्रेकडाउन के साथ, उसके अगले ही दिन हिंदू में फ्रंट पेज पर आर्टिकल आ गया एन राम का, उन्होंने क्या चालाकी करी, ये जो वन टाइम कॉस्ट थी इंडिया बेस्ड स्पेसिफिकेशंस की इसको ऐड कर दिया और रिकरिंग कॉस्ट बना दिया कि हर बार ये चार्ज होगी नहीं, और उन्होंने आर्टिकल लिखा, चिदम्बरम ने ट्वीट किया उसे। आपको मजे की बताऊं, एन राम जो हैं हिंदू के एडिटर, उन्होंने अपने यंगर डेज में एक जर्नल बनाया था रेडिकल रिव्यू, किसके साथ, चिदम्बरम और प्रकाश करत के साथ, और आज वो आर्टिकल लिख रहे हैं चिदम्बरम रीट्वीट कर रहे हैं। तो वो था ना कि पुरानी यारी है तो बुरे वक्त में ही दोस्त काम आते हैं, और चिदम्बरम तो इतने गजब आदमी हैं। आप देखो राहुल गांधी बोलता है कि अनिल अंबानी चोर है और चिदम्बरम उसी अनिल अंबानी का केस कोर्ट में लड़ रहे हैं DMRC के खिलाफ, कपिल सिब्बल आरकॉम का केस लड़ रहे हैं कोर्ट में अनिल अंबानी के लिए उसके बिहाफ पे। तो राहुल गांधी कहते हैं अनिल अंबानी चोर है और उन्हीं के पार्टी के सीनियर लोग उसी चोर की वकालत कर रहे हैं, मतलब सिब्बल चिदम्बरम इनके तो चूल्हे भी अनिल अंबानी के कोयले पे जल रहे हैं और वहां राहुल गांधी छाती पीटते डोल रहे हैं, वो राख हुए पड़े हैं। क्या पूरे देश को मनमोहन समझा हुआ है क्या? अब इंडियन बेस्ड कस्टमाइजेशन जो हैं वो हैं क्या? सबसे पहले फाइटर जेट में आपको डिटेक्ट करना है कि यार किस टारगेट को अटैक करना है, तो उसको आंखें चाहिए प्लेन को, तो इसमें FLRI सेंसर्स होते हैं जिससे कि इंफ्रारेड हाई रेजोल्यूशन इमेज बनती है आपके टारगेट की, तो ये हमारे पास थे ऑलरेडी आपके मिग्स में, अब सुखोईज में, तो हिंदुस्तान ने कहा कि यार ये वाली फैसिलिटी जो है ये रफाल में आप इंटीग्रेट कर दो, तो वो इंटीग्रेट कर रहे हैं। दूसरा आपको मिसाइल्स चाहिए अटैक करने के लिए, प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स, तो वो इसमें डाली गई हैं। तीसरा एक नई टेक्नोलॉजी है BVR कहते हैं, कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, कि 100 किलोमीटर से दूर का एरिया जो आपको दिखता नहीं है वहाँ आपको किसी टारगेट को अटैक करना हो तो वो मिसाइल हैं, BVRAM मिसाइल्स कहते हैं, तो वो हैं। अब आपने मिसाइल दागी तो सामने वाले भी अटैक कर सकता है, तो इस मिसाइल में एक सिस्टम फिट करा गया अलार्म सिस्टम विच इज़ एंटी रेडिएशन मिसाइल, कि सामने वाले के रेडार में आप आ गए तो ये रेडार को जाके डिस्ट्रॉय कर देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है EW स्पेक्ट्रा सूट, स्पेक्ट्रा मतलब सिस्टम प्रोटेक्शन एंड अवॉइडेंस ऑफ एनिमी फायर पावर, कि सामने वाले के आप रेडार जोन में चले गए तो आपको पता लग जाएगा, उसके रेडार को आप जैमर के लिए सिग्नल्स निकाल सकते हो, उनकी मिसाइल्स आएंगी तो उसकी आपको वार्निंग मिल जाएगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। अब आप वॉर जोन में हो तो सामने वाले की मिसाइल भी आपको अटैक कर सकती है, तो इसमें एक चीज़ है एक्स गार्ड टाउड डिकॉय सिस्टम, जो कि एक फॉल्स टारगेट सिग्नल रिलीज करता है जो सामने वाले की मिसाइल को डिसीव कर देता है, गलत दिशा में भेज देता है। फिर इसमें आपके हेलमेट्स हैं स्पेशल,
भाई फ्लाइट में अपनी आँख से तो आप लिमिटेड देख सकते हो, आप हेलमेट्स में आपको स्क्रीन में सब दिख जाएगा, ऑल्टीट्यूड, स्पीड, किस टारगेट को अटैक करना है, बेसिकली ऑल दी डेटा दी फाइटर पायलट्स नीड। फिर हमारे बहुत सारे एयरफोर्स बेसिस हैं बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे, ऊंचाई पे, जहाँ जीरो से भी कम तापमान होता है, तो वहाँ पे इंजन स्टार्ट करने में दिक्कत आती है। तो रफाल के जो इंजन थे उसमें मॉडिफिकेशन करी गई कि वो इंडिया स्पेसिफिक कंडीशन में स्टार्ट हो पाए। फिर ऑनबोर्ड ऑक्सीजन होती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई, जैसे कमर्शियल फ्लाइट्स में होता है ना, आप बोलते हैं ऑक्सीजन कम होगी, मास्क निकल आएंगे, ये तो लगाते हैं मास्क चला के हैं, तो उसकी हमने फिल्टर्स बढ़वाए। फिर DRDO कुछ मिसाइल्स थी, स्पाइस मिसाइल हमने देखी थी, उनके इजेक्शन के लिए सिस्टम चाहिए, तो वो ऐड करा गया। तो ये सारी एडिशंस जो हैं इंडिया बेस्ड स्पेसिफिकेशंस जो ऐड हुई हैं, दिस इज़ वन टाइम कॉस्ट। तो आने वाले जो प्लेन्स आएंगे तो उसमें ये वाली कॉस्ट नहीं चार्ज करी जाएगी। फिर वेपन्स हैं आपके, वेपन्स मैंने आपको बताया कि BV-RAM मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल, वो होता है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज 100 किलोमीटर से दूर तक वो अटैक कर सकती है, दैट इज़ एयर टू एयर मिसाइल। फिर आपकी है ग्राउंड टू एयर मिसाइल, उसकी रेंज है आपकी 560 किलोमीटर दूर तक आपकी अटैक कर सकती है। सो दीज आर दी वेपन्स। फिर आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती है, वो है मेंटेनेंस एंड ओवरऑल फैसिलिटीज़, जो कि दो बन रही हैं रफाल वाले डील में। इसमें कि प्लेन ख़राब हो जाए रिपेयर के लिए, है ना, शेड्स वगैरह रहेंगे, पुर्जे मिल जाएंगे टाइम पे, ऑल द टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। ये जो चीज़ है मेंटेनेंस ओवरऑल, ये पहले डील्स में नहीं होती थी। मैं आपको एग्जांपल दूं, इंडिया ने 1980s में रशिया से खरीदे थे AN-32 एयर लिफ्टर प्लेन्स होते हैं 105, तो दिस वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट डील, मेंटेनेंस एंड ओवरऑल। तो हमें क्या करना पड़ता था कि हमारे जब प्लेन ख़राब होते थे AN-32, हमें रिपेयर के लिए यूक्रेन भेजना पड़ता था। सोचो आपके पास होंडा गाड़ी है, वो ख़राब हो गई, आपको हर बार रिपेयर के लिए जापान भेजना पड़ रहा है, सर्विस एंट्री नहीं है, कितना महंगा पड़ेगा आपको। 20 साल ये परंपरा चली, 2009 में फिर फाइनली यूक्रेन के साथ $400 मिलियन की डील हुई कि भैया यहीं पे सेटअप करो मेंटेनेंस एंड ओवरऑल फैसिलिटीज़। उस समय जब खरीदे होंगे AN-32 तब ये कॉस्ट ऐड नहीं करी होगी, बिकॉज फैसिलिटी तो बाद में बनी है। रफाल वाले डील में ये पहले से बात है कि यार पहले मेंटेनेंस ओवरऑल फैसिलिटीज़ का फीचर होना चाहिए, तो उन्होंने ये कॉस्ट प्लेन में ऐड करके मार्केट ने बता दी कि 1600 करोड़ का प्लेन हो गया। तो आपको बता दें यूक्रेन प्लेन जाते थे सर्विसिंग के लिए आपके, 2009 में डील साइन हुई, 2014 में क्या हुआ, रशिया यूक्रेन का पंगा हो गया, तो रशिया ने यूक्रेन को स्पेयर पार्ट देने से मना कर दिया, इसके जो थे AN-32 बना रशिया में था ना, तो यूक्रेन के इंजीनियर्स इंडिया आते थे कानपुर में इसको रिपेयर करने के लिए, पर हुए नहीं, पुर्जे वो कमी है। तो 40 AN-32 आपको कैनिबलाइज करने पड़े। तो इतनी बड़ी कॉस्ट है इफ़ यू डोंट हैव प्रॉपर मेंटेनेंस एंड ओवरऑल फैसिलिटीज़। अगेन आपकी जो इंडिया बेस कस्टमाइजेशन है, दैट्स अ वन टाइम कॉस्ट। तो आगे से कोई अगर ये वाली कॉस्ट ऐड करके अनलोडेड रफाल में आपको 1600 करोड़ या कुछ ज़्यादा प्राइस निकाल के बताता है, तो उसको बोलना भाई ये तो वन टाइम कॉस्ट है, इसको आप ऐड क्यों कर रहे हो, आगे वाले प्लेन जो आएंगे उसमें ये ऐड होके नहीं आएगी। अगर कोई ऐड कर रहा है, जैसे एनराम ने करी, वो आपको गुमराह करना चाह रहा है, दे हैव एन एजेंडा।